आज जो स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग, दसरा भी नहीं करके हमारे जो वर्कर हैं भूखे रह के दसरा नहीं करे इस साल। केसीआर साहब की मेहरबानी है, हमारे को स्ट्राइक कोई नया नहीं है। 50,000 रुपये सैलरी जो बोले आप देख सकते हैं, 10,000 रुपये सैलरी भी हमारे वर्करों को नहीं आती। केसीआर साहब प्लीज़ आप जो है सो 50,000 बोले ना, 50,000 तनख्वाह दीजिए। कल ही ड्यूटियों पे जाते, हमारे एसयू डिपो में आज एक ड्राइवर हार्ट अटैक से मर गया। घर को किराया देने का रहता, बच्चों को ये करने का रहता, सिर्फ केसीआर साहब की वजह से मर गए वो लोग। अभी मरना शुरू करें, हम डरने वाले नहीं है। आज ने एक महीना ने एक साल भी हो गए तो हम स्ट्राइक करने को तैयार है। केसीआर साहब को मालूम है आरटीसी वाले कभी पीछे नहीं हटते, मर भी गए तो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते। हमारे मांगे पूरे लेंगे रहेंगे, हमारे को गवर्नमेंट में लिए तक, गवर्नमेंट में मिलाए तक हम कभी ड्यूटी पे नहीं आएंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते मरते रहेंगे। थैंक यू। नहीं नहीं साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है। आपको भी मालूम है सगुला जनोला सब में जब हुआ तेलंगाना के लिए जो लड़ाई हुई, तो हर जब तेलंगाना के लिए हर डिपार्टमेंट काम कर लिया अपने अपने वजूद से, लेकिन आरटीसी का बस का पहिया नहीं चला। किसके लिए? वो आपके लिए। हम आपको सर आँखों पर रख के आज तेलंगाना लेके आए, तो आप जो है जो तेलंगाना आने के बाद आरटीसी वालों को ये सिला दे रहे, कोई आज तक हमारे जैसा कोई आपका साथ नहीं दिया, वो आपको मालूम है। लेकिन आप इसे मद्देनज़र रखते हुए ये जल्द से जल्द आप अपने हमारे जो जो रखे हम डिमांड्स उसको मानते हुए आप इस स्ट्राइक को मुकम्मल करके ख़त्म करना बोल के हमारी ये गुजारिश है। जय आरटीसी। మొగాడ్రా బుజ్జీడు ఇరా మరి గాడి కేసర్ గాడి